जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी कह रही थी कि जातीय जनगणना को लेकर नकारा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार विपक्ष यह बात कर रहा था, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात में हामी भरी है। उन्होंने भी कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान है। मुख्यमंत्री ने भी हामी भरी है। देखिए, मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है कि कब वो क्या बोल रहे हैं, कब नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ तो वो हमारे विरोध के बाद, जब हम लगातार महागठबंधन के लोग विरोध कर रहे थे, जिस तरीके से नीट में भी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, तिथि की घोषणा भी हो गई, परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई, लेकिन उनके रिजर्वेशन का जिक्र कहीं नहीं हुआ। महागठबंधन आरजेडी लगातार इस बात को उठा रही थी, तो अब नीतीश जी नींद से जगे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो सकती है। हम तो शुरू से कह रहे थे, हमारे साथ जब थे, हमारे विधानसभा में इस बात की पारित भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। किस जाति के लोग कितने हैं, जब तक उन तमाम आंकड़ों का सही मायने में पता नहीं चलेगा, तब तक आरक्षण की बात और उसकी संशोधन की बात करनी बेकार है। तो जातीय जनगणना के पक्ष में तो आरजेडी हमेशा से रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो अभी दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उनकी एक जो पार्टी है, सहभागी पार्टी बीजेपी, जिनके साथ गठबंधन में वो सरकार चला रहे हैं, वो तो कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होती है। नीतीश जी अब कह रहे हैं, दूसरा ही राग अलाप रहे हैं कि जातीय जनगणना होती है। तो भाई, ये दो तरह की विचारधारा के लोगों के साथ किस तरह का गठबंधन धर्म निभा रहे हैं नीतीश जी? अगर वाकई में वो इस पक्ष में है, उस विचारधारा से उनको वो नहीं मानते हैं, तो उनको उस गठबंधन का त्याग करके अपने आप को बिहार की जनता के सामने ये दिखाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि वो वाकई में अति पिछड़े से लेकर के दलित समाज हो, चाहे कोई भी अन्य समाज हो, वो तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। बिहार में शराबबंदी है और विपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले या कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं, उनको अब धमकी मिला है। देखिए, धमकी तो आरजेडी के भी एक विधायक को मिली है, उन्हें भी जान से मार देने की धमकी मिली है। अब तो विधायकों का भी जान यहाँ सुरक्षित नहीं है। अभी हम देखे हैं कि पिछले इनके 15 साल बनाम 15 साल खेल रहे थे, और इन दिनों में लगातार जिस तरह की हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हुई हैं, उसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुशासन चल रहा है। यहाँ तो पूरे अपराधी हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, सरकार का भी उनको कहीं ना कहीं से सह प्राप्त है, और यही कारण है, जान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वतंत्र हैं। वो किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, उठा दे रहे हैं, बलात्कार और हत्या, ऐसे मामले तो बिहार में प्रतिदिन घट रही है। तो ये तो नीतीश कुमार के सुशासन का पोल खुल रहा है कि देखिए भाई, बिहार में आप अब डर के सहम के रहिए, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, कल तेजस्वी यादव सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि जनता, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो परिवारवाद की पार्टी है। क्या राष्ट्रीय जनता दल वाकई परिवारवाद की पार्टी है? देखिए, जेडीयू के जो नेता है ना, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, बिगड़ना भी चाहिए। 43 से समझ रहे हैं, उनके आंकड़े और कम होते जा रहे हैं, लगातार वो मार खा रहे हैं। जिस तरीके से धोखे और फरेब करके उन्होंने सत्ता में जगह बना ली है, इन तमाम घटनाक्रम के बाद अगर उनका मनोस्थिति बदलता है, खराब होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता जिस तरीके से पिछले 15 साल से इस कुशासन में झेल रही है, कोरोना में झेल रही है, लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसे मुद्दों को लेकर के जेडीयू जो है हमेशा चुप रहती है। उनके पास एक ही अस्त्र और शस्त्र है, लालू जी, लालू परिवार। उसके बिना उनकी राजनीति चलने वाली नहीं, और इसी क्रम में वो बयान दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, फोन टैपिंग कांड, इसको लेकर सदन में, दिल्ली में, संसद में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखती है राजद इसको? देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके की सांठगांठ बीजेपी ने इस तरह से एक टैप कंपनी को दिया कि वो लोगों के, ऐसे लोगों की वो टैपिंग करवा रहे हैं जिनसे मुझे नहीं लगता राष्ट्रहित में कोई काम हो सकता। अगर आप इसी का उपयोग जो उग्रवादी संगठन है या अन्य तरह के, जिनसे कि भारत को खतरा है या भारत को किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, उसमें करवाने में अगर ये बीजेपी करती, तो मुझे लगता है कि कोई सही निर्णय होता। लेकिन जिस तरीके से वे विपक्षी दलों को या ऐसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को टारगेट करके उनके जो कहते हैं स्वतंत्रता में वो खलल डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां संविधान में कहा गया है प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है, जिसको कि बीजेपी तार तार कर रही है। तो ये बीजेपी तो है ही, उनका तो चरित्र ही है, ये संविधान के खिलाफ वाले लोग हैं, ये हमेशा ऐसे छल कपट करके राजनीति करना जानते हैं, और उसी का ये ताज़ा तरीन उदाहरण है। जिस तरीके से ये लोगों की फ़ोन टैपिंग करके उनके अंदरूनी मामले में जा करके झांका ताकी करके ये लोगों को डरा करके ब्लैकमेलिंग है, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोई जो कहते हैं ना कि चीज़ें जान करके और आपको ब्लैकमेलिंग करके आपको बंदी बना रहे, मानसिक गुलामी करने की, करवाने की ये इनकी एक चाल है।
तो ये थे हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान। कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।